मेरा नाम मोना है। मेरे पिता इंजीनियर थे। मेरी माँ को जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पिताजी उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। माँ को अपनी सहेलियों की फ़िक्र ज़्यादा थी। वो हर वक्त अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करती थी। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी, हालांकि हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस पिताजी इतना कमा लेते थे कि जिससे घर का खर्च बहुत अच्छे से चल जाता था। एक दिन मेरे मम्मी और पिताजी में किसी बात पर बहुत बहस हुई। उसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ है जो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी कि खाने में दवा मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मम्मी पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले गए थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप से उसकी औलाद को बहुत प्यार मिलता है। मैं सच में मर गई होती, मगर वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वो फरिश्ता था जिसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें दवा खिला दिया था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिज होने की वजह से वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत खूबसूरत था, वो बहुत अमीर लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बहुत झिझक हुई, किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं हो, काम करने के लिए तो मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 19 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी। फिर अचानक एक दिन उसने मुझे खुद शादी के लिए बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो वो बोली, दीदी मुझसे देखा नहीं जाता, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा, क्यों? तो वो बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखना, प्लीज़ साहब को कुछ मत बताना वरना मुझे काम से निकाल देंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस रात मैंने अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा क्या है, बेड के नीचे पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-5 गुड़ियाँ पड़ी थीं। उन सब की टांगें टूटी हुई थीं और उन पर सुई लगी हुई थी। वह सब देखने में मेरे जैसी ही लगती थी। मैं बहुत डर गई थी, मेरा जिस्म कांप रहा था। सुबह अपनी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 गुड़ियाँ थीं जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गई थीं। तुम बताओ ऐसा क्या है कि जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उसने कहा, यदि आपको लगता है कि कोई आप पर इतना मेहरबान है, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी साहब, सबके हुस्न पर फिदा हो गए थे। साहब ने उनसे भी इसी तरह से शादी की थी। मैंने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि गुड़िया में क्या होगा? वो बोली, दीदी जितनी भी लड़की आई थी साहब, सबके बेड के नीचे इसी तरह गुड़िया रखते थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो लड़कियाँ मर जाती थीं। मैंने उससे कहा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, दीदी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पर यकीन करूँ और किस पर ना करूँ। मैं सच में डर गई थी। मैं घर से भाग ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और वह गाड़ी रोक कर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देख देख कर रोने लगी, कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं समझी कि तुम मर गई होगी। वो मेरे पास आने लगी, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। वो मेरे पांव में पड़ गई और बोली कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तुम्हें मारने का फैसला मेरा नहीं था, बल्कि फैसला तुम्हारे पिताजी का था, मैं मजबूर थी। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम्हारे पापा मुझसे अलग हो गए हैं, मुझे एक मौका दे दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। वो मुझे अपने साथ घर ले गई। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया था। वो खुश हो गई थी। माँ ने बताया कि वो जिस कंपनी में जॉब करती हैं, यह घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला है और गाड़ी भी वो किसी बड़े पोस्ट पर जॉब कर रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी।
यहाँ रहते एक महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मेरे माँ के कमरे से आवाज आ रही थी। मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात को वह किससे बात कर रही है, रात के वक्त माँ के कमरे में ये कौन हो सकता है। माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। माँ को वह आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवा दो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह माँ का बोस था, लेकिन रात को इस वक्त वो भी माँ के कमरे में, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारा ख्वाब तभी पूरा होगा जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वो इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानी भी मिली हुई थी और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे एकदम घुटन का एहसास होने लगा। मैं वहां से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। वो मान गई थी और मैं वहां से निकलकर सीधा अपने पति के पास आ गई। मेरे पति मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले कि तुम कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। मैंने कहा कि मैं डर गई थी इसलिए मैं चली गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मेरी माँ और तुम्हारे पापा ने हमें अलग करने का इरादा किया है। तुम्हारे पिताजी मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ चलने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वो मेरी तलाक करवाएंगे। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वो बोले, मेरे पिताजी अच्छे आदमी नहीं हैं इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। वो खूबसूरत लड़की को शादी का ख्वाब दिखाते हैं और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वह माँ को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो माँ से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे मोहब्बत करते थे। अब हम खुशी खुशी रह रहे थे। मेरे पति ने मेरे पैरों के इलाज के लिए दिल्ली ले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बताया कि उसके बाद ही मैं चल सकती हूँ। मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि ऊपर वाले का जितना भी शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अपने पैरों पर चलने लगी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इना चाहने वाला पति मिला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।